नमस्कार, न्यूज 1 11 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। हर साल पटना के गांधी मैदान में सरस मेला लगाया जाता है। मेले में तमाम जो लोग हैं वो आते हैं और अलग अलग तरीके की खरीदारी करके जाते हैं। क्या कुछ खास है सरस मेला का और क्यों खास है सरस मेला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मीठी धूप, खुला आसमान और हर राज्य की चमक इन दिनों पटनाइट्स को अपनी ओर खींच रही है। हम बात कर रहे हैं गांधी मैदान में लगे भव्य सरस मेले की। सरस मेले में विभिन्न राज्यों के स्वाद, कपड़े, कल्चर और लाइफस्टाइल के बारे में आपको पता चलता है। 400 स्टॉल मैदान में बिछे हरी रंग की कालीन और उस पर मस्ती करते लोग, मेले के बीच बीच बना भव्य पंडाल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगा है। मेले में विभिन्न राज्यों से आए उद्यमी अपने साथ राज्य की कला, संस्कृति और उत्पादों को लेकर पहुंचते हैं। वहीं हर दिन मेले में भारी मात्रा में लोग खरीदारी के लिए भी पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि खरीदारी के लिए कई सारी चीजें मौजूद हैं और हर कोई कुछ ना कुछ अपने लिए खरीद सकता है। बहुत अच्छा व्यवस्था है और बहुत नई नई चीज़ें भी हैं जो यहाँ पिछले बार से शायद बहुत अलग है। ये सब पिछले बार में नहीं था, इस बार कुछ नया आया है। अगर वही बात की जाए हमारे बिहार की कल्चर से हट करके, तो लगभग 21-22 ऐसे स्टेट हैं जहाँ के दूसरे व्यवसाय भी यहाँ पर आए हुए हैं व्यवसाय करने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक अलग हट करके यहाँ पे करने की कोशिश की गई है। हर जगह के कल्चर के बारे में पता चल रहा है अब हम लोगों को। बहुत से शहर के लोग यहाँ पे हैं, हर तरह का कपड़ा है, हर लोग जगह जगह की एम्ब्रॉयडरीज हैं, सब चीज़ें पता चल रही हैं हम लोगों को। हर साल से अलग उचित अच्छा लग रहा है, खरीद रहे हैं सब गमला उमला। हम इस दोबारा आए हैं, 1-2 तारीख को आए थे, अभी 4 तारीख को आए लेने के लिए। अच्छा, अगर बात की जाए मार्केट रेट की, कोई जो वस्तु यहाँ पे बिक रही है आप खरीदने के लिए आई हो, जो बाजार में जो जिस कीमत में बिकती है, अगर यहाँ की कीमत बात की जाए तो क्या कुछ अंतर लग रहा है, या सस्ता है या महंगा? ठीक है, सस्ता है। जो मेला लगा है, हम लोग घूमने आए हैं दोस्तों के साथ और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों से जो लोग आए हैं और उनके द्वारा जो अभियान चलाया गया है, शिक्षा कैसे किया जाए और साफ़ सफाई में कैसे ध्यान रखा जाए, ये सब तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पटना में देखने को हम लोगों को मिल रही है। सरस मेला में आप ऐसा चीज़ बताएं जो काफ़ी लुभावना लगा। सरस मेला में क्या ऐसा आपको लगा जो मार्केट से हटकर यहाँ पे उसका व्यवस्था किया गया है, वो सामान बिक्री के लिए यहाँ पे लगाया गया? जी, हमें ये देखकर अच्छा लगा कि यहाँ पे हमारे साहित्य संस्कृति से रिलेटेड हर चीज़ है, जैसे कि पुराने कप शॉल वगैरह सब बिकता है, सब साहित्य से बना हुआ है, से पुराने परंपराओं से अधीन मेला है, इसमें हर चीज़ अच्छा मिलता है और ये हमारे संस्कृति और एकजुट करके रखा है, इससे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। व्यवस्था तो सर काफ़ी अच्छा लग रहा है
और जैसा सरकार ने इस तरह की व्यवस्था किया है बहुत ही कम ही राज्यों में ऐसा देखने को मिलता है। हम लोग तो यहाँ पर बगल में आए हैं, बगल में ही हमारा घर है, बट यहाँ घूमने के लिए लगा कि चलो भाई बिहार सरस मेला लगा हुआ है तो एक बार चल करके यहाँ का भी देख लें क्या स्थिति है और कैसा माहौल है। लेकिन यहाँ हमने आकर के देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बगल में स्वच्छता अभियान का भी कुछ चल रहा है प्रोग्राम, इनको भी मैंने काफ़ी आनंद और लुत्फ उठाया है, बहुत ही अच्छा लगा है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है, प्रॉपर सिक्योरिटी की भी व्यवस्था है यहाँ पर, तो हम लोग को विश्वास है कि कोई गलत नहीं हो सकता यहाँ पर और आनंद उठाए, काफ़ी अच्छा है। वुलन कपड़े, मिट्टी की बनी कलाकृतियाँ, अलग अलग किस्म की मिठाइयाँ, अचार, जूते चप्पल, हाथों से बने इको फ्रेंडली सजावट के सामान, सोफे हों, टेबल हों या कुर्सियाँ, हर छोटी से बड़ी सामान की खरीदारी आप सरस मेले से कर सकते हैं। बिहार के व्यापारियों से लेकर देश के कई राज्य के व्यापारी हर साल पटना आकर गांधी मैदान में सामान की बिक्री करते हैं। बिहार सरकार की तरफ से हर साल उनकी कला और मेहनत का प्रदर्शन करने का उनको अवसर प्रदान किया जाता है, साथ ही उनको रोजगार के मौके भी दिए जाते हैं। न्यूज़ 111 में आपका स्वागत है, मैं हूं पूजा वर्मा। हर साल पटना के गांधी मैदान में सरस मेला लगाया जाता है। मेले में तमाम जो लोग हैं वो आते हैं और अलग अलग तरीके की खरीदारी करके जाते हैं। क्या कुछ खास है सरस मेला का और क्यों खास है सरस मेला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।